मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त नेहरू पार्क पर खड़ा हुआ हूँ और अभी 4:30 बज चुके हैं और हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा इस वक्त बताया जा रहा है कि साहिरेडी पेट्रोल पंप तक पहुँच चुकी है और अभी हो सकता है बमुश्किल एक आधा घंटे के अंदर अंदर नेहरू पार्क से गुजरेगी। और इस जो शोभा यात्रा को लेकर बहुत ही वसी पैमाने पर पुलिस ने बंदोबस्त किए हैं। तरफ में जहाँ तक मेरी नज़र जाती है पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही है, ये पुलिस के मुलाजमीन ठहरे हुए हैं। और यहाँ ये जो आज़म रोड से जहाँ से जुलूस अभी गुजरेगा और वहाँ से जोड़ने वाली जो अतराब की जो सड़कें हैं दोनों सिमतों की, उनको इस तरह बैरिकेड से बंद कर दिया गया है। इधर जो सो आम आदमी के दाखिले को रोका जा रहा है ताकि जुलूस खामोशी के साथ बआसानी गुजर जाए। जुलूस की शुरुआत हो रही है, उस तरफ से जुलूस आना शुरू हो गया, गाड़ियाँ आ रही हैं जुलूस की, सामने पुलिस की गाड़ियाँ हैं, उसके साथ जो है सो शोभा यात्रा का जो सो आगाज़ हो रहा है। अभी कुछ ही देर में ये शोभा यात्रा यहाँ से गुजरेगी और ये जो सो शोभा यात्रा अब गांधी चौक तक पहुँच चुकी है। गांधी चौक पर हमें यहाँ से नज़र आ रही है शोभा यात्रा और जो सो हनुमान भक्त जुलूस के साथ चलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और अब तक जहाँ तक ये हमारी इत्तला है हालात पुरसकून है, पुलिस ने बहुत ही माकूल बंदोबस्त किया है। 1500 की नफरी मौजूद है जिसमें 2 एडिशनल जो सो कमिश्नर हैं और जो सो 5 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, 25 सर्कल इंस्पेक्टर्स हैं और 50 सब इंस्पेक्टर्स हैं। इनके अलावा दीगर अमला जुमला 1500 की नफरी यहाँ पर जो सो ड्यूटी पर मौजूद है। इसके अलावा जुलूस पर नज़र रखने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया, हम उसकी भी अक्सबंदी करेंगे। और साथ ही यहाँ पर बहुत सी जगह पर हर रास्ते में जो तकरीबन कई मकाम पर 600 के लगभग जो सो CCTV कैमरे लगाए गए हैं। कमिश्नर पुलिस खुद रात जो सो इस जुलूस की निगरानी कर रहे हैं, इंतजाम की निगरानी कर रहे हैं, देखेंगे क्या आगे हालात क्या रहते हैं। जुलूस अब तक पुरअमन गुजर रहा है और यहाँ से वो हसास इलाका शुरू हो रहा है जहाँ से जो सो खदशात का इजहार किया जा रहा है, लेकिन कभी उम्मीद है कि ये जुलूस पुरअमन अख्ताम पजीर होगा और हम जो सो अपने तमाम जो सो हमारे जो नाजरीन हैं, बिल्कुल हमारे जो हिंदू नाजरीन हैं, हम उनको हनुमान जयंती की मुबारकबाद देते हैं। कंटेश्वर की नीलकंठ मंदिर से आज हनुमान शोभा यात्रा का आगाज हुआ। इस यात्रा में हजारों की तादाद में हनुमान भक्त शरीक हुए। जुलूस में बीजेपी कायदीन एंडला लक्ष्मी नारायणा, धनपाल सूर्य नारायण, बसवा लक्ष्मी नरसैया, सायरेडी पेट्रोल पंप से दहली वाला स्वीट रूम की सिमत मुड़ गया। करीब 5 बजे जुलूस गांधी चौक पर पहुंचा और फिर काफी देर तक जुलूस इसी मुकाम पर रुका हुआ रहा और असर की नमाज के बाद ये जुलूस तेरू पार्क पहुंचा और फिर मुल्ला अशरफ की मस्जिद बड़ा बाजार से गुजरने तक इफ्तार का वक्त हो चुका था। उसके बाद ये जुलूस करीब 7 या 7:15 बजे के दरमियान गोल हनुमान पहुंचा और वहां पर इस जुलूस का इख्तिताम अमल में आया। जाफरानी रुमाल और पगड़ियां बांधे हुए हजारों हनुमान भक्त भक्ति के गीत गाते नजर आए। इसके अलावा कई नौजवान अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए भी देखे गए। जय श्री राम बजरंग बली के नारे फजा में बुलंद हो रहे थे। एक गाना जुलूस में मुसलसिल बजाया जा रहा था जिसके बोल ये थे कि फखर से कहो हम हिंदू है और हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन इसके बावजूद ये जुलूस पुरअमन गुजरता रहा, कहीं भी किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। जुलूस में कमसिन बच्चों और ख्वातीन की भी बड़ी तादाद नजर आई। एक खूबसूरत लड़की जुलूस में मरकज निगाह बनी हुई थी, जाफरानी पगड़ी बांधे चेहरे पर गागुल लगाए इस कमसिन गुड़िया को हर कोई पलट कर देख रहा था। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू के साथ भी इस लड़की ने तस्वीर खिंचवाई और ये लड़की मीडिया की भी मरकज तवज्जा बनी हुई थी। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी नेहरू पार्क से जुलूस में शामिल हुए थे और नेहरू पार्क से मुल्ला अशरफ की मस्जिद तक जुलूस के हमरा पैदल चलते नजर आए। जुलूस के ऑर्गेनाइजर्स ने इनको हनुमान गदा तोहफे में पेश किया जिसको कांधे पर रखकर जिला कलेक्टर ने तस्वीरें खिंचवाई। कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू सुबह से ही जुलूस के हमरा मौजूद थे। जुलूस की उन्होंने बजाते खुद निगरानी की। आजम रोड पर वो काफी देर तक खड़े रहे और जुलूस के एक एक पल का मुशाहिदा किया। आज इस हनुमान शोभा यात्रा का पुरअमन इख्तिताम हुआ है तो इसका मुकम्मल सहरा कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू और पूरी पुलिस टीम को जाता है। पुलिस का हर मुलाजिम चौकस नजर आया। सादा लिबास में भी पुलिस अधिकारी व मुलाजमीन की
बड़ी तादाद जुलूस में शरीक थे। आजम रोड पर पुलिस ने सख्त चौकसी का मुजाहरा किया, क्योंकि इससे कबल इसी आजम रोड पर तशद्दुद का मामला पेश आ चुका था।